भारत है जिसने हमेशा करुणा, प्रमुदिता, कृतज्ञता के गीत गाए। आज संतों को क्रांति का घोष करना पड़ रहा है। ये संत वो परंपरा के संवाहक हैं जहां नामदेव जैसे संत हुए। रोटी कुत्ता उठा के चल दिया तो वो उसे मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नाना रूपों में, नाम आकारों में हमने अपने प्रभु का दर्शन किया। कण कण में, जर्रे जर्रे में वो दृष्टि अर्जित की, वो दृष्टि बांटी। जहां कोई सुमरे या विसरा दे, या कोई संसार बसा ले, या कोई सन्यासी हो जाए, उस विराट चेतना के सागर में हम अंतर गुंफित हैं, सुख दुख के ताने बानों में। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से हमेशा हमारे हृदय भरे रहते हैं। विश्व का कल्याण हो, सब हृदयों में सद्भावना हो। आप ये मत सोचिए कि सरकार के इरादे खराब हैं तो सनातन संकट में है। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज की सरकार से। ये सत्य सनातन संस्कृति की जड़ों को संतों ने अपनी साधना से सींचा है। अरण्य में खड़ा होकर एक योगी, एक तपस्वी, एक अपरिग्रही साधन एकत्रित करता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीता, वो अपनों के लिए जीता है। वो प्रसाद बांटता है, वो बटोरता नहीं। उसका सूत्र है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद बांटने वाले संत, नेह करुणा प्रेम लुटाने वाले संत आज यहां एकत्रित हुए हैं। कुछ कारण है, निश्चित रूप से गंभीर कारण है, कि जब अंग गल जाता है तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। जब राष्ट्र की चेतना सुप्त हो जाती है तो उसको झकझोर के जगाना पड़ता है। जब चक्रवर्ती सम्राट अपने राज भवनों में विलासता की दुनिया में खो जाते हैं तो विश्वामित्र बनके राम और लखन की जवानी मांगनी पड़ती है। उसी भूमिका में आज पूज्य संत हमारे सामने हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि भारत कैसा भारत, जिस भारत का गगन धरा मानस सब प्रदूषित हो जाए, ऐसे भारत की कल्पना की थी क्या हमने? सावरकरों ने समुद्र के उताल तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिखे, अंडमान की काली कोठड़ी में पत्थर की भीतियों पर हृदय के रक्त से शौर्य की कहानियां लिखी गई थी। किस भारत के लिए, मैं पूछना चाहती हूँ। स्मरण करो उस विद्यावती को जिसका पुत्र फांसी के फंदे पर झूला, आंखों ने आंसू बहाए तो लोगों ने कहा माँ तू शहीद की माँ होके रोती है, अच्छा नहीं लगता। विद्यावती ने कहा मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती।